सलमान खान, तेजस्वी और करण, यानी कि तेजरन में ऐसा कौन है जिसका साथ देंगे और जिसकी फटकार लगेगी? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी करण में कौन सही कौन गलत? लेकिन बतौर शो के होस्ट इस मुद्दे को वीकेंड का वार में डिस्कस ना किया जाए, इस पे बात ना की जाए, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारे हालांकि इस बार की जो गेस्ट लिस्ट है उसको देखकर ये लग रहा है कि सलमान खान को मुद्दों पर बात करने के लिए काफी कम समय मिलेगा, लेकिन तेजरन उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर जरूर बात होगी। तो तेजरन को लेकर जो हमने दो तीन दिन एपिसोड देखा, हालांकि लाइव फीड में भी नहीं दिखाया गया कि इन दोनों का पैचअप कब हुआ, क्या हुआ, और हम आपको बता दें कि आज जो प्रोमो सामने आया है उससे एक बात तो साफ है कि इन दोनों का पैचअप जो है हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सलमान खान का रिएक्शन क्या होगा? सलमान खान किसको सही ठहराएंगे, किसको गलत ठहराने वाले हैं, और उनके लिए इस पूरे मुद्दे पर कौन सही होगा और कौन गलत? तो करण की अगर मैं बात करूं तो सलमान खान पहले भी उनकी एक वीकेंड का वार से पहले जो है क्लास ले चुके थे और उनका ये कहना था कि आप कंट्रोलिंग दिखते हैं। वहीं इस हफ्ते जो लड़ाई हुई है उसमें मैं इन दोनों के स्टैंड की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी बार बार करण के पास जाती हुई दिखी, बार बार शुरुआत करती हुई दिखी, बार बार इनिशिएटिव लेती हुई दिखी, लेकिन दोनों का अपना अपना गेम था, दोनों अपने गेम के लिए खेल रहे थे। करण जो इस बात पर अड़ गया कि फेयर ही होना चाहिए, फेयर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर इससे पहले अनफेयर टास्क नहीं हुए हैं, बहुत बार हुए हैं, लेकिन इस बार का अनफेयर अगर हो रहा था तो उनकी गर्लफ्रेंड को टिकट मिल रहा था। तो इस सारी चीज देखिए, सलमान इस बात को तो सपोर्ट नहीं करेंगे कि अनफेयर तरीके से टिकट मिले, लेकिन इन सारी चीजों में रिलेशन को मिक्स करने की क्या जरूरत थी, तो कैमरा के लिए करती है। तो मुझे ये लगता है कि सलमान खान करण को डांट लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सलमान के जो वीकेंड का बार हमने देखा था तो सलमान के मन में जो करण को लेकर छवि है वो कुछ उसी तरह की है कि कंट्रोलिंग है, डोमिनेट करता है, अपने इशारों पर चलाना चाहता है। तो वो माइंडसेट अगर सलमान खान का करण को लेकर बन चुका है तो इस पूरे मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि करण को ही वो फटकार लगाते हुए नजर आएंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा।